छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कमान संभालने के बाद प्रदेश के सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा बदल चुकी है। इसी कड़ी में शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की शुरुआत भी की गई और शासकीय स्कूलों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा का स्तर इतना बढ़ा है कि अब शासकीय स्कूलों के विद्यार्थी निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को मात दे रहे हैं। ऐसे ही जिले के 3 छात्राओं का स्वागत सम्मान इंडियन ऑयल ने अपने 63वें वर्षगांठ पर मेघा छात्रवृत्ति योजना के तहत किया। ग्रैंड एशिया न्यूज टीम ने उन 3 छात्राओं से चर्चा की और जाना कि आज छत्तीसगढ़ में प्राप्त होने वाली शिक्षा कैसी है और किस तरह विद्यार्थियों की जीवन शैली बदल रही है। दर्शकों, जब से भूपेश सरकार अपने प्रदेश में काबिज हुई है तब से शिक्षा के स्तर में जहां बढ़ावा दिया जा रहा है वहीं महिलाओं के उत्थान में भी अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ से लगभग 86 बच्चों का चयन किया गया है मेधावी छात्रों में और इंडियन आयल की पहल से एक मेधावी छात्रों को जो इनामी राशि की घोषणा की गई उनमें से 3 बच्चे जो है वो ध्रुव भिलाई के हैं और वो भी शासकीय स्कूल के हैं। इस वक्त आज दुर्ग पुलिस के द्वारा पुलिस पेट्रोल पंप में इन्हें SP सर ने सम्मानित भी किया है राशि से और सांत्वना राशि के अलावा उन्होंने पुरस्कार दिया है। ये 3 बच्चे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पूरे शासकीय स्कूलों से हैं। उसमें से खास बात एक ही है कि एक जो छात्रा है वो स्वामी आत्मानंद स्कूल की है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी पढ़ाई के लिए जो सरकार द्वारा और इंडियन आयल की पहल है वो किस तरह की है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। पिंकल शर्मा, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। आपने हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं, इसके लिए आपने कैसी तैयारी की थी? मैम, ये तैयारी तो मेरे टीचर्स खासकर प्रिंसिपल मैम सभी का सहयोग रहा और मैं तैयारी में भी डेली पढ़ती थी अच्छे से। और जो आज यहाँ पर तुमको सम्मानित किया गया राशि से दुर्ग पुलिस और इंडियन ऑयल की पहल से, वो पहल कैसी है? मैम, ये पहल बहुत अच्छी है। ऐसी पहल से हम जैसे बच्चे आगे बढ़ पाते हैं और ऐसी हर बच्चे के साथ होना चाहिए। पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगी? मैं आगे IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो देखा आपने, ये IAS ऑफिसर बनना चाहती है। अगली छात्रा से हम पूछेंगे उनका नाम और उनके जो प्रयास हैं शिक्षा के लिए आगे बढ़ने का वो किस तरह से था। मैम, मेरा नाम रविंद्र है और मैं हाई स्कूल कुतरेल से पढ़ी हूँ और मेरा 10th में 97% बना था और मेहनत ही है जिससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो इंडियन ऑयल की पहल जो है आज दुर्ग पुलिस ने तुमको सम्मानित किया है, ये कैसा अनुभव रहा तुम्हारे लिए? बहुत अच्छा है, इससे छात्र आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। बड़ी होकर क्या बनना चाहोगे? मैं टीचर बनना चाहूँगी। तो देखा दर्शकों, ये टीचर बनना चाहेगी पढ़ लिख कर। और अगली छात्रा से हम मिलते हैं, अपना नाम बताएंगे और कैसा प्रयास आपका रहा है। मेरा नाम जानवी छत्रे है, मैं सेजल चंचगिरी की हूँ। मेरा 96% आया 10th बोर्ड में और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल, अपने स्कूल को ज़्यादा देना चाहूँगी क्रेडिट इसका, क्योंकि उन्होंने जितना मेहनत मेरे साथ किया है वो मुझे पता है कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं बहुत खुश। स्कूल का पूरे स्टाफ का, फैकल्टी का कैसा योगदान रहा? हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा योगदान मिला मुझे। मुझे जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत थी, जो भी लगा, जितना भी डाउट्स थे, सब क्लियर होने में बहुत मदद किया हमारी टीचर्स ने और स्कूल में भी सारी टीचर्स ने बहुत सपोर्ट भी किया और प्रोत्साहन तो ऑब्वियसली मिला। एक छोटा सवाल, ये बड़े होकर क्या बनना चाहूँगी? बड़े होकर मैं IAS बनना चाहती हूँ और देश का नाम, अपने पापा का नाम, अपने परिवार का नाम। तो ये 3 छात्राएं थी छत्तीसगढ़ से, जो लगभग 86 बच्चियां चयन की गई हैं उनमें से ये 3 छात्राएं थी। उन्होंने अपना अनुभव हमें बताया और इंडियन ऑयल और दुर्ग पुलिस की पहल को भी काफ़ी सराहनीय प्रयास बताया उन्होंने और बड़ी होकर क्या बनना चाहती ये भी अनुभव उन्होंने से हमसे साझा किए। और दुर्ग पुलिस का ये पहल काफ़ी सराहनीय है और जो प्रदेश सरकार है शिक्षा के स्तर में जो आगे बढ़कर ये कार्य कर रही है, आने वाले दिनों में इसकी और वृद्धि होगी और ऐसी कई छात्राएँ उभर कर सामने आएगी और अपने मकाम तक पहुँचेगी। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ मैं शाहिन खान।